नमस्कार। आज एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है, तो एसएससी जीडी पे ये हमारी नई वीडियो, ये बताने के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो चेहरे दिख रहे हैं ये कितने बड़े फर्जी लोग हैं। ये वे लोग हैं जो जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन से बच्चों का मूर्ख बनाना शुरू किया, और जब तक रिजल्ट ना आया रिजल्ट को लेकर इतनी सारी वीडियो छापे हैं ये लोग। लास्ट 10 दिनों में इतनी वीडियो बनाए हैं ये लोग, इतनी वीडियो बनाए हैं। हालांकि इसमें से अंकित सर को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग इतना वीडियो बनाए हैं लास्ट 10 दिन में, और इतना कटाव दे चुके हैं, इतना कटाव दे चुके हैं ये लोग। और आज जिस तरीके से एसएससीजीडी ने कटाव दिया है अपना, सारा कटाव दिन का धरा रह गया। एक लोगों का इन जो चेहरे दिख रहे हैं किसी एक चेहरे का कटाव मैच नहीं किया, तो ये लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बच्चों के जीवन के साथ खेल दिए हैं। आज जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं है उनके पीछे ये लोग हैं, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका श्रेय लेने के लिए ये लोग पहले रहेंगे, और जिनका नहीं हुआ उनसे इनका कोई वास्ता नहीं, इनको ये लोग पहचानते नहीं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था, हालांकि एग्ज़ाम के बाद तो लोग ये लोग कटाव दे रहे थे कि 62 नंबर पर यूपी जनरल का हो जाएगा फाइनल मेरिट, और 62 पर आप देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं 62 नंबर पर 61.50 नंबर पे, एक तरीके से 62 क्वेश्चन पे यूपी में फिजिकल का बना है। तो देखिए लोग कितने बड़े लेवल पे बच्चों को मैनिपुलेट किए हैं सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए। ये वे लोग हैं जो एग्जाम से पहले ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं करके चलना है हमें, तो अपने दिमाग में लेके चलना है कि हमें 60 क्वेश्चन सही करके आना है, हमें क्वेश्चन ही नहीं ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा के चक्कर में गलत ही नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों की बातें कहाँ दे रही। जो बच्चा इनकी बात को लेके तैयारी किया होगा, जो सिर्फ इनके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाया होगा, वे कहाँ रह गया है आज। आज वो बच्चा अगर 60 क्वेश्चन सही करके आया होगा, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और 60 का 60 सही कर रहा है, उसके बाद भी वो बाहर निकल रहा है, तो ये लोग पूरी तरीके से बच्चों को ले लिए हैं। जो बच्चा नया नया आया था और 2-2.5 महीने इनके साथ जोड़ के जम के मेहनत किया और इनके अकॉर्डिंग सब कुछ किया, वे आज बच्चा हताश है, रो रहा है, लगातार कमेंट आ रहा है। और ये लोग अभी भी एग्जामपुर, स्पेशली एग्जामपुर अभी भी लगातार कटाप पे वीडियो बनाया जा रहा है, लगातार कटाप पे वीडियो बना रहा है। जो और 3-4 चेहरे थे, हालांकि वे सब चेहरे एसएससीजीडी वीडियो बना के ही फेमस हुआ है, रोजगार भी अंकित भी 2021 जीडी से ही फेमस हुआ है, सारे चेहरे जीडी वाले ही हैं। और हालांकि अंकित सर जो है ये डेली बेसिस वीडियो नहीं बना, लेकिन जो एग्जामपुर है ये लोग एग्जाम पे चर्चा कर रहे थे भाई, ये लोग रिजल्ट पे चर्चा कर रहे, मतलब मूर्ख समझ के रखे हैं बच्चों को। व्यू छापने के लिए कितना गिरोगे भाई, और इजिकल फिजिकल एकेडमी ये सब अकाउंडो कमांडो बकांडो साला, इन लोगों का तो कोई बात ही मत करो। ये लोग तो व्यू छापने के लिए क्या क्या यूट्यूब पे दिखा देंगे, क्या थंबनेल लगा देंगे, अपने यूनिफॉर्म को डीपी पे लगाते हैं, थंबनेल पे लगाते हैं, अब इनसे क्या ही उम्मीद रखा जाए जो बाकी चेहरे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद मत हारिए, यूपीपी की तैयारी करिए आप लोग अगर यूपी से हैं तो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।